आज का हमारा टॉपिक है नर्स्ड इक्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझो कि नर्स्ड इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नर्स्ड इक्वेशन से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी, तो आपको नर्स्ड इक्वेशन आनी चाहिए। तो चलो देखते हैं कि नर्स्ड इक्वेशन क्या है और हम नर्स्ड इक्वेशन को क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम नर्स्ड इक्वेशन को पढ़ते हैं टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल। अगर हमें किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना है तो हम किसको यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं नर्स्ड इक्वेशन को। अब क्या होता है ईएमएफ? तो ईएमएफ कुछ नहीं होता, ईएमएफ इज अ ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ईएमएफ क्या है? बस एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कैसे? देखो आपके पास एक बैटरी है, ये मैं वो रिमोट वाली बैटरी की बात कर रहा हूँ, अभी जो आप सेल डालते हो ना रिमोट में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। साइज थोड़ा सा बड़ा बना दिया है ताकि आपको दिख जाए, और इस पर लिखा हुआ है 2.25 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज है ये क्या है? इसका पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन अभी ये जो 2.25 वोल्ट है ना, ये इसका पोटेंशियल नहीं, ये इसका ईएमएफ है। इसका मतलब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ भी पोटेंशियल ही होता है, लेकिन ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। क्या होता है ईएमएफ? ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ सेल। किसी भी सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। यानी इस सेल का भी पोटेंशियल है 2.25 वोल्ट, लेकिन जैसे ही इस सेल को आप रिमोट में लगा दोगे तो अब पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब वो 2.25 नहीं रहेगा, हो सकता है 2.24 हो जाए, हो सकता है 2.23 हो जाए, 2.22 हो जाए। तो उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ईएमएफ की जब भी बात होगी तो ईएमएफ को आप कैसे डिफाइन करोगे? कि इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ सेल। नाउ अब अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, तो ईएमएफ के कैलकुलेशन के लिए हम किसको यूज़ कर रहे हैं? नर्स्ड इक्वेशन। तो चलो पहले नर्स्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, उसके बाद इससे दो क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, नर्स्ड इक्वेशन के लिए एक रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी की, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू। दिस इज द रिलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। अब इस रिलेशन से ही हम ड्राइव करते हैं बेटा किसको? नर्स्ड इक्वेशन को। तो चलो जरा ड्राइव करते हैं। आपने क्या पढ़ा है? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। क्या ये रिलेशन आपने आज से पहले कभी पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो अब याद रखना कि गिब्स फ्री एनर्जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज एफ? एफ इज फेराडे, एफ इज फेराडे, है ना। एंड व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज ईएमएफ ऑफ सेल। बेटा बहुत ध्यान से देखो, सेम अगर मैं डेल्टा जी नॉट की बात करूं तो व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी चीज के ऊपर नॉट आ जाता है तो वो स्टैंडर्ड हो जाती है। नाउ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू अगेन माइनस एन एफ, बस ई सेल की जगह क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल हो जाएगा, एंड ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्या होता है बेटा? ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड ईएमएफ। नाउ अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ प्लेस करते हैं। मैंने बोला माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू। यही तो रिलेशन आई ना जब मैंने वैल्यू प्लेस की। नाउ दिस इज इक्वेशन वन। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारी इक्वेशन वन। अब मैं बोल रहा हूँ डिवाइड, मैं बोल रहा हूँ डिवाइड इक्वेशन वन बाय एन एफ। आपके लिए नॉर्मली डेरिवेशन नहीं आती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेशन आ कहाँ से रही है, फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है। तो चलो माइनस एन एफ ई सेल है इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल है प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू है। और आपने क्या बोला कि सबके सबको आप डिवाइड कर रहे हो किससे? एन एफ से। तो हम सबको किससे डिवाइड कर रहे हैं? एन एफ से। तो देखो एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो गया, एन एफ से एन एफ अगेन कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो आपका फॉर्मूला क्या आया? ई सेल इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल
प्लस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई क्यू. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ व्हाट इज आर? आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना. अब हम बात कर रहे हैं अगर एफ की, तो व्हाट इज एफ? एफ इज फेराडे एंड द वैल्यू ऑफ वन फेराडे इज 96500 कूलम. व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, यानी रिलीज हो रहे हैं. एन क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन. तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं, वही क्या है? एन है. नाउ अगर मैं बात करूं एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ई सेल क्या हो जाएगा? माइनस ई नॉट सेल प्लस आर की वैल्यू आपको पता है 8.314. टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर हम हमेशा किस में रखते हैं? केल्विन में रखते हैं. तो आप टेम्परेचर को केल्विन में रखोगे तो क्या आ जाएगा? 298 केल्विन. 25 डिग्री सेल्सियस इज 298 केल्विन, पता है ना अपने को. अपॉन एफ, एफ इज फेराडे, द वैल्यू ऑफ फेराडे इज 96500 कूलम इनटू 1 अपॉन एन तो रह गया, और फिर लॉग बेस ई क्यू. अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? लॉग बेस ई क्यू को कन्वर्ट कर रहा हूँ लॉग बेस 10 में. और जब भी हम लॉग बेस ई को कन्वर्ट करेंगे लॉग बेस 10 में, तो बेटे आप लोग हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे. दैट मीन्स आपका वैल्यू क्या आ गई? लॉग बेस ई क्यू इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 क्यू. नाउ अब जरा ध्यान से देखो, ई सेल माइनस ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल प्लस 2.303, क्योंकि लॉग बेस 10 रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन 96500 इंटू 1 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू. यहाँ तक हमारी रिलेशन आ गई है. नाउ देखो, जब बेटा आप 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाई 96500 करोगे, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी जो होगी 0.059. तो क्या वैल्यू आई? 0.059. तो चलो अब इन वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस करते हैं. अगर मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को प्लेस करूँ, तो देखो माइनस ई सेल इक्वल्स टू माइनस ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू. ये है आपकी इक्वेशन. अब व्हाट इज क्यू? क्यू इज रिएक्शन क्वेश्चन. क्यू इज रिएक्शन क्वेश्चन. एंड द रिएक्शन क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है? तो रिएक्शन क्वेश्चन होता है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयंस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. चिंता मत करो, पूरा सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे वैल्यू प्लेस करनी है, कैसे सॉल्व करना है. अभी आप यहाँ फोकस करिए. सबसे पहले हम माइनस साइन को चेंज करते हैं, तो माइनस साइन को चेंज किया तो यह ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस की जगह क्या आ गया यहाँ पर? अब अगर साइन चेंज किए तो माइनस साइन आ गया 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10. एंड द व्हाट इज क्यू? क्यू इज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयंस की पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट आयंस रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. एंड दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन. ये क्या है? यही है हमारी नर्स्ट इक्वेशन. लेकिन याद रखो बेटा, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है ये इक्वेशन. अगर नॉर्मली बोर्ड्स में एग्जामिनर कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, वो आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही देगा. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है. तो अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो आप क्या करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है. एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो वैल्यू है ये वाली, ये 0.0591 एट 25 डिग्री सेल्सियस, या 0.059 लिख लो. अब आप क्या करो, 5-5 डिग्री टेम्परेचर कम करते जाओ.
जैसे मैंने बोला एट 20 डिग्री सेल्सियस तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.058। मैंने बोला एट 15 डिग्री सेल्सियस, आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, 25 डिग्री सेल्सियस इज 298 केल्विन। नाउ अगेन 20 डिग्री सेल्सियस इज 98 माइनस 5 इज 293 केल्विन। तो आप केल्विन में कन्वर्ट करते रहना। एट 15 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू इज 0.057। अगर मैं बोलता हूँ एट 10 डिग्री सेल्सियस देन द वैल्यू इज 0.056। मैं बात कर रहा हूँ एट 5 डिग्री सेल्सियस देन द वैल्यू इज 0.055 एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस द वैल्यू इज 0.054। तो बेटा ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये चेंज हो सकती है टेम्परेचर के चेंज होने पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2.303 कांस्टेंट है, 8.314 कांस्टेंट है, 96500 भी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी क्या कर रहा है 298 केल्विन, टेम्परेचर ही वेरी कर रहा है। तो कंपटीशन के लिए आप इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज बोर्ड में आपको हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही बोलेगा और उस पर आप वैल्यू को 0.059 ही यूज करोगे। तो यही है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। आज का हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3.2। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। हमें ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में पता है कि ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या आप तो नॉर्मली क्यू बात कर सकते हो, क्यू इज रिएक्शन क्वेश्चन। नाउ जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी, यानी आप क्या बोलोगे एट इक्विलिब्रियम क्यू इज इक्वल्स टू के, क्यू क्या हो जाएगा, क्यू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, के में, एंड ई सेल क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, ईएमएफ ऑफ सेल हो जाता है बेटा जीरो, याद रखना इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो गया तो 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। नाउ अब ई नॉट सेल अगर इधर आया तो क्या होगा, माइनस ई नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.46 वोल्ट इक्वल्स टू 0.0, आप 0.0591 को है ना शॉर्ट करके 0.06 कर लो अपॉन एन, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरा बताओ आपका यहाँ पर कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, दो का आ रहा है। यहाँ पर आपका 2Ag पॉजिटिव से क्या बन रहा है, 2Ag, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी दो का आ रहा है ना, क्योंकि एक ए जी पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दो सिल्वर पे क्या हो जाएंगे, टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, तो दैट मींस दोनों में दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो द वैल्यू ऑफ एन इज टू, इस बात को याद रखना, एन की वैल्यू कितनी होगी, टू होगी। नाउ लॉग बेस 10, अब इक्विलिब्रियम पे क्यू क्या हो जाता है, ये के हो जाता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। अब आपको क्या करना है, आपको बस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को सॉल्व करना है। तो मैं बोल सकता हूँ लॉग बेस 10 के इज इक्वल्स टू 0.46 अपॉन 0.03 अप्रोक्स, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 15.6। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी जब इसको सॉल्व करोगे, 15.6। लेकिन बेटा एक बात समझो, आपके पास लॉग के सी की या लॉग के की वैल्यू आई है 15.6, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको लॉग के की वैल्यू निकालनी है। तो लॉग के की वैल्यू निकालने के लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो आपको एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर आपको एंटी लॉग सॉल्व करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं लॉग और एंटी लॉग की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसपे आप हर तरह का लॉग और एंटी लॉग सॉल्व कर पाओगे। नाउ के इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 15.6। तो अब अगर हम एंटी लॉग निकालें 15.6 का, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ कि जो पॉइंट की वैल्यू आगे वैल्यू होती है पॉइंट के, उसको आप 10 की पावर में लिख दो, तो कितनी आ गई 10 की पावर 15। और अब पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ना, लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है, 0.6020, तो ये लगभग लॉग 4 के आसपास है,
लेकिन पूरा लॉग 60 ही है, 6020 नहीं है, तो आप थोड़ा सा कम कर दो. सपोज दैट मैंने बोल दिया 3.92, सो द वैल्यू ऑफ के इज 3.92 इंटू 10 की पावर 15. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए. तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट.